पूज्य बापू, हिंदुस्तान और विदेशों में आप प्रायः रामायण को आदर्श बनाकर जीवन जीने का मार्ग दिखाते रहे हैं। इंग्लैंड जैसे पाश्चात्य देशों में जो लोग यहाँ जी रहे हैं, वह रामचरितमानस के आधार पर कैसे जीना चाहिए उन लोगों को, व्यवहार में मानस के सिद्धांतों को कैसे जिया जाए? मेरी दृष्टि में मानस के सभी सिद्धांत करीब करीब ऐसे हैं कि सब उसका आचरण कर सकते हैं यदि थोड़ा गंभीरता से उसको उठाएं और अपने लोगों को यानी भारतवासी लोगों को और यहाँ की जनता को भी। रामचरितमानस से केवल जो हम रोज रोज जीते हैं उनमें से कुछ बातें भी ग्रहण कर ले तो भी आदमी का जीवन विश्राम और शांति को उपलब्ध कर सकता है। और मैं कभी कभी बहुत सहज और सामान्य स्तर पर कह देता हूँ कि सोना कैसे चाहिए, भगवान राम जी से सीख ले कि महल में सोना है तो भी वही मस्ती है और वन में गंगा के तट पर भीलों की बस्ती में जमीन पर सोना है तो भी वही मस्ती है। तो केवल हम राम जी के जीवन से सोना सीख ले, और सोना हमारे लिए अनिवार्य है, हम रोज सोते हैं, लेकिन इस मस्ती से वो सीख ले तो भी धन्य है जी। लक्ष्मण जी की तरह वो जागना सीख ले कि परिवार के लिए, समाज के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, लोगों के लिए, तिरस्कृत लोगों के लिए व्यक्ति को कैसे जागृत रहना चाहिए, कैसे सावधान रहना चाहिए, वो यदि सीखे। जानकी जी से सहनशीलता सीख ले, शत्रुघ्न से मौन सीख ले, भरत जी से त्याग और समर्पण के, मैं ज्यादा छोड़ू। तो मंथरा से ये सीख ले कि किसी के घर में फूट न डाले। दशानंद से ये सीखे कि हम अपहरण न करें। तो मेरे ख्याल से चिंतन की इतनी बड़ी ऊंचाई होते हुए रामचरितमानस ने लोगों को जीने के लिए इस चिंतन को इस घटी हुई घटना के पात्रों के माध्यम से हमारे जीवन के साथ इतना ओतप्रोत कर दिया है कि केवल भारतवासी ही नहीं, विश्व का कोई भी नागरिक व्यक्ति यदि उसका अनुसरण करे तो मुझे लगता है कि वो अपने अंतर्मन में बहुत विश्राम प्राप्त कर सकता है जी। भारतीय युवक युवती जो यहाँ की स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका परिवेश हर तरफ से पाश्चात्य है। खाना पीना, रहन सहन सभी विषय में, तो उनसे बचकर वह अपनी पहचान, अपनी भारतीयता कैसे संभाल सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए रामायण मैया क्या आदर्श रखती है? हम केंद्र को यदि पकड़ रखें और केंद्र को पकड़ करके हम घूमे तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। और मैं तो भारतीय युवान भाई बहनों को और लोग भी मेरी बात सुनना चाहे, ग्रहण करना चाहे, आत्मसात करे, तो मेरी तो तीन बात है कि मुख में राम नाम हो, हाथ में राम का काम हो, और पैरों की गति राम के धाम की ओर हो। और मुख में राम का नाम हो, मेरा मतलब मुख में सत्य हो, परहित हो, दूसरों का शुभ हो, हाथ में परिवारजनों से लेकर पड़ोसी, समाज, प्रांत, विश्व के लिए हम जो कर सके ऐसा राम काम हो, और आखिर में सबको कोई ऐसी परम स्थिति प्राप्त करने की आकांक्षा होती है उसी तरफ राम धाम की ओर मानवी के कदम हो। तो परिधि में व्यक्ति कितना ही घूमे
चिंता नहीं है, लेकिन केंद्र को पकड़ रखे तो हमारे लोग अपनी भारतीय अस्मिता और अपनी वैदिक परंपरा को केंद्र में रखकर यदि चले तो मुझे लगता है कि इस रास में और लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं। लग्न विच्छेद यानी कि डाइवोर्स यूरोपीय जीवन रीति का एक विकृत और प्रायः अनिवार्य अंग बन गया है। इससे प्रभावित भारतीय स्त्री पुरुष अपना दाम्पत्य जीवन दुर्गंधयुक्त होने से कैसे बचा सकते हैं? मानस के आधार पर वह कैसे जिए ताकि जीवन में मधुरता प्रगटे? रामायण के आधार पर यदि कहना है तो ये कह सकते हैं कि उसको अपने जीवन साथी पसंद करने का, वरण करने का अधिकार होना चाहिए जी। और जब ये अधिकार उसको हो तब इन युवक युवतियों का भी दायित्व है कि वो अपनी पक्की बुद्धि से, अपनी ठीक समझ से, हमारी भारतीय परंपरा के अनुकूल माता पिता को समझ करके, उनके विचार भी जान करके, मुझे लगता है बहुत चिंतन करके यदि उसमें प्रवेश करे, अपनी पसंदगी माता पिता को रजू करे, माता पिता उस पर गौर करे, और फिर यदि इस क्षेत्र में प्रवेश करे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन आजकल क्या देखता हूँ कि बहुत सी असरों के कारण, बहुत से संघ के कारण ये लोग जल्दी में सब निर्णय कर लेते हैं, पर इधर माता पिता भी हैप्पी नहीं रह सकते, उधर वो भी कुछ न कुछ वो कर बैठते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जीवन साथी के बारे में उसको शांति से सोचना चाहिए, और हम दोनों साथ में रहकर हमारी भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को कैसे बल दे सकेंगे उसका भी गौर करना चाहिए। वर्तमान जीवन में हम इसके साथ ज्यादा सुखी रहेंगे, इसके साथ ज्यादा सुखी रहेंगे, वो तो सोचे सब स्वाभाविक है, लेकिन हमारा दाम्पत्य भविष्य के लिए भी कुछ रोशनी बन पाए जी, और हमारा योगदान हमारी संस्कृति के लिए हो, ये भी सोचना चाहिए। इसलिए तो हमारे यहाँ विवाह विधि को एक बहुत पवित्र विधि माना है, और इस तरह यदि जाए तो मुझे लगता है कि सीताराम जैसा जीवन, ऐसा समर्पित दाम्पत्य वो निभा सकते। बापू, विदेशों में जी रहे परिवारों में माँ बाप का कर्तव्य क्या हो सकता है जिससे कि अपनी संतानों में भारतीय संस्कार का प्रागट्य हो और पारिवारिक सुख का अनुभव कर सके? हाँ, माता पिता अपने बालकों को ज्यादा समय दे, हाँ, और संपत्ति जरूर कमाए लेकिन संतति गवा न बैठे, उसका भी वो गौर करे, और आज की युवा पीढ़ी को वो समझने की पूरी कोशिश करे। इनके और बच्चों के बीच में जो एक अंतर है, उम्र का, देश काल का बहुत फासला होता है, उसमें वो अपने युवाओं को समझे, बच्चों को समझे, और उन पर सलाहों का, शिखावनों का, आदेशों का बहुत ज्यादा बोझ न डाले, लेकिन समझ करके उसको थोड़ा हल्का बनाए, और वात्सल्य और दुलार देना बंद न करे। और मैं हर वक्त कहता हूं कि हो सके, जहां तक संभव हो, तो भोजन और भजन घर में साथ में करे, तो मुझे लगता है कि अपनी बात ज्यादा हम मजबूत कर सकते हैं। अपनी जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है ना? हाँ, हमारी जो संयुक्त प्रथा है जीवन की, एक दूसरे के जीवन को देखना, उसके सुख दुख में भागीदार बनना, एक दूसरों के लिए समर्पित होना, उसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय परंपरा में रहा है, और वो भी यहाँ मेरे ख्याल से रहना चाहिए।
ऐसा लगता है। बापू, हमारे देश में वृद्धावस्था की समस्या तो प्रायः कम दिखाई देती है, लेकिन यूरोप के भारतीय परिवारों में वृद्धावस्था एक समस्या, एक अभिशाप बन रही है। शायद ये पाश्चात्य जीवन शैली का एक पहलू है जिसकी असर काफी मात्रा में यहां पर दिखाई दे रही है। इसका उद्भव ही ना हो या फिर उसको रोकने का कोई उपाय सुझाव आपकी दृष्टि में क्या है जिससे हमारा भारतीय परिवार अक्षुण्ण बना रहे? भारतीय परंपरा में तो एक ऐसी उम्र होती है वो जो वानप्रस्थ जिसको कहा जाता है, और मैं तो युवाओं को ये सलाह दूंगा कि और सभ्यताओं से और पारिवारिक जीवन शैलियों से जो लेने जैसा हो वो जरूर ले, लेकिन मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये जो हमारी वैदिक घोषणाएं हैं उसके अनुकूल माता पिता का इनकी सेवा, उनका उनकी देखभाल ये युवाओं को करनी चाहिए, और माता पिता को भी एक उम्र होने के बाद घर में रहकर वनवासी जीवन की ओर गति करनी चाहिए। तो यहाँ के समाज में जो होता है कि एक उम्र होती है और वो बिलक कर दिए जाते हैं, ऐसे भवनों में उसको रखा जाता है, मुझे लगता है यहाँ के लिए वो ठीक भी रहता होगा, क्योंकि कोई उसको रखने के लिए तैयार ही ना हो तो फिर ये कोई चारा नहीं है। लेकिन हमारी सभ्यता के अनुकूल जहां तक ये संभव हो कि उसको अपने साथ रख करके उसकी सेवा सुरक्षा की जाए और वो भी वानप्रस्थ जीवन जिए, ऐसा। बापू, यहाँ के व्यस्त लोगों को अपनी अध्यात्म साधना में कम से कम कितना समय, कौन सी पूजन पद्धति, कौन सा स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए? यहाँ के लोगों को भ्रमित किया जाता है, ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने में रख रहा हूँ। हाँ, कौन सा स्वाध्याय, कौन सी पूजा पद्धति, कौन सा स्मरण, पूजा पाठ, वो तो सबकी भिन्न रुचि के कारण सबके लिए भिन्न भिन्न चुनाव हो सकता है जी। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम एक घंटा व्यक्ति आत्मचिंतन के लिए निकाले, 24 घंटों में से एक घंटा तो उसको देना ही चाहिए जी। फिर वो ध्यान कर सकता है, उसको यदि अनुकूल है तो जिसमें श्रद्धा है उसका वो जप भी कर सकता है, अपने शास्त्र का पारायण भी कर सकता है, तो कैसे भी अपनी रुचि के अनुसार, लेकिन सुबह शाम मिल करके या तो एक समय, लेकिन करीब कम से कम एक घंटा यदि वो निकाले। और साथ साथ में ये भी कहूँगा कि वो समय थका मांदा घर आए और चलो जल्दी ये कर डाले, ऐसा नहीं, उसके लिए फ्रेश समय रखा जाए ताकि अपनी ऊर्जा को विकसित कर सके। और मुझे लगता है कि एक घंटा साधन चिंतन करेगा तो उसके बाकी के सभी घंटे में उस ऊर्जा बहुत काम करेगी। और रामायण में रुचि है तो रामचरितमानस का पाठ करे, कम से कम एक दोहा करे, गीता का एक अध्याय का स्मरण करे, अपने इष्ट देव का नाम जप करे, और फिर उसी सेवा पद्धति को, उसी स्मरण पद्धति को अपने दफ्तरों में, अपने स्कूल में, अपने व्यवहार में, अपने कार्य क्षेत्र में भी ले जाए, ताकि हर कर्म सेवा और पूजा का रूप धारण करे, और फिर सायंकाल को लौटते समय फिर वो जांच करे कि मैंने कहीं कसूर तो नहीं की। तो कम से कम एक घंटे का आत्मचिंतन बहुत अच्छा रहेगा।
जय सियाराम बापू।